तो आपको याद रखना सबसे पहले एमसीबी क्या याद रखना अपन को, सबसे पहले हम लोग पढ़े थे इसी में अरे चौका, क्या पढ़े थे हम लोग, दूसरा अपन पढ़े थे सीतामढ़ी, क्या पढ़े थे अपन, तीसरा अपन पढ़े थे सीतामढ़ी हर चौका, क्या पढ़े थे अपन, पढ़े थे कि नहीं, तो आपको याद रखना सीतामढ़ी हर चौका नहीं क्या। चलिए भाई बताइए अब काउंट डाउन शुरू, हर चौका, हर चौका कौन से गांव में था आपके लिए, अब नहीं याद है माँ का संतान में भूला गया मैं, अरे ये सुनो तो आपको याद रखना सीतामढ़ी हर चौका, क्या याद रखना, ये जो सीतामढ़ी हर चौका था ये तो आपके लिए एक नदी का नाम है पवई, क्या नाम है आपके लिए, पवई नदी के किनारे था क्या, तो आपको याद रखना पवई, सीधा ऐसे याद रखना भाई, सीता माता अगर रसोई में कुछ खाना बना रही है तो पवन पुत्र उड़ते उड़ते आए तो पवई, अरे यसोनो, अरे यसोनो। दूसरा आपके लिए याद रखना सीतामढ़ी गुफा, क्या याद रखना अपन को, उसके बाद याद रखना हर चौका, क्या याद रखना हर चौका रसोई घर, अरे यसोनो। और दूसरा याद रखना सीतामढ़ी, क्या याद रखना अपन को, सीतामढ़ी गुफा और हर चौका, तो आपको याद रखना जब हम लोग रसोई घर में जाते हैं मुंह धो के जाते हैं क्या, क्योंकि तो मेरी माँ तो आने नहीं देती, तुम एक नंबर के दुष्ट पापी हो, तुम यहाँ मत आओ, तुमने अभी स्नान नहीं किया है क्या, मैं बचपन से जितना प्रताड़ित हुआ हूँ आप प्रताड़ित नहीं हुए होगे, मैं ब्राह्मण घर में पैदा नहीं हुआ लेकिन उससे ज्यादा प्रताड़ित हुआ हूं, कभी अगर किचन में से जाने की सोच भी दो ना तो ऐसे पैर कट जाएगा वो, और जो लक्ष्मण जी ऐसे खींच के गए थे उससे ज्यादा खतरनाक जगह रहता था, तुम नहाए नहीं हो बेशरम कहीं के, तुम अंदर नहीं घुसोगे, और बचपन से जब तक नहाता नहीं था तो कितना भी ठंड आ जाए आंधी आ जाए तूफान आ जाए भूकंप आ जाए ज्वालामुखी फोड़ जाए लेकिन नहाना है, इसलिए मैं बचपन से अपने पिताजी के साथ रहता था, बढ़िया नहाते थे उसके बाद खाते थे, उनके साथ मैं भी पूजा करता था, मेरे शुरू में पूजा का कोई वैल्यू नहीं पता था, बस इतना पता था कि इसको करने के बाद खाना मिलेगा, क्लियर, तो बस उसीलिए मैं पूजा करता था, बाद में पूजा करते गया तभी फिर पता चलते गया, क्लियर जी। आपको याद रखना है क्या हर चौका, क्या याद रखना, आपको याद रखना सीतामढ़ी, क्या याद रखना, तो सीतामढ़ी जो गुफा है ये आपके लिए मुहासी, क्या है आपके लिए, मुहावी नदी, कौन सी नदी आपके लिए, आपको याद रखना हर चौका, क्या याद रखना रसोई घर, रसोई घर में कब जाती जब बहू नए नए शादी को खाते हैं तो ये वाला सिस्टम, घाघरा, क्या याद रखना, क्या याद रखना, तो घाघरा ग्राम में पड़ता था क्या ये, देखिए जी आज के टाइम में आपको ये प्रश्न पूछेगा, इससे पहले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं हुआ करते थे, अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना एमसीबी, क्या याद रखना, मोहिला सॉरी मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, तीन जगह पढ़ते हैं आप उनको यहां से, क्लियर जी, तो अपन लिख दिए इसको क्या, एक दो, क्लियर, अपन पढ़ते हैं चौथा जगह, चौथा जगह अपन पढ़े सूरजपुर में, यहां पढ़े थे क्या सीता लेखनी, क्या पढ़ते थे अपन, क्या पढ़े थे अपन सीता लेखनी, ये सीता लेखनी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, यहां माता सीता के अरे ये सुनो कौन से लिपि में थे ये, शंख लिपि में, क्लियर जी। पांचवा, पांचवा जगह कौन सा है आपके लिए, हाँ तो यहां पे दो चीज है पांच और छह, तो आपको यहीं पे मिलता है क्या आपके लिए सीता बेंगरा, क्या मिलता है आपको सीता बेंगरा, क्या आपके लिए सीता बेंगरा, अरे यह सुनो ये क्या है आपके लिए विश्व का प्राचीनतम नाट्यशाला, अरे यह सुनो ओल्डेस्ट ऑडिटोरियम है ये मान के चल सकते हैं, अरे यह सुनो छठवा याद रखना हमको क्या यहीं से, लक्ष्मण बेंगरा, क्या याद रखना, नहीं देखो जोगी महाराज जो है वो मौर्य काल से संबंधित है यहां से नहीं, क्लियर जी। अब अपन को पढ़ना है अगला, रायगढ़ भी पढ़े थे क्या, तो रायगढ़ में क्या पढ़े थे अपन,
राम झरना, क्या पढ़े थे अपन, क्या पढ़े थे? पिताकुंड भी तो पढ़े थे क्या? माता सीता यहीं पे नहीं थी? सीताकुंड, क्लियर जी? अब आपको याद रखना राम झरना, क्या याद रखना राम झरना क्या है भाई आपके लिए? गर्मी एक दिन था, गर्मी था, अरे ये सुनो माता सीता उतने टाइम रसना मांगी, रसना चाहिए मुझे, राम जी है ऐसे इधर से निकाले तो चक दिए एक जगह को, तो जिस जगह से ऐसे कोच के वहीं से जमीन से जो फुहारा निकला उसी क्या बोला जाता है आपके लिए? तो आपको याद रखना राम भगवान के तीर से निर्मित जल धारा या जल प्रपात आपको याद रखना राम झरना। अरे ये सुनो, उसके बाद अपन यहां पढ़े थे क्या नौवां जगह और दसवां जगह, एक जगह पढ़े थे खरौद, क्या पढ़े थे अपन? उसके बाद एक जगह पढ़े थे शिवरी नारायण, क्या पढ़े थे अपन? अरे ये सुनो, हाँ खरौद क्या है भाई बताओ मेरे को? अरे ये सुनो, हाँ तो आपको याद रखना खर और दूषण, क्या याद रखना, क्या आपके लिए खर और दूषण? ये रावण के सौतेले भाई थे, और कुछ कुछ जगह ये भी मिलेगा कि ये रावण के पुत्र थे, सौ पुत्रों में दो पुत्र थे कर, और कुछ जगह मिलेगा ये रावण के सौतेले भाई थे, तो मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ ये रावण के सौतेले भाई थे। अरे ये सुनो, अब ये दंडकारण्य है ना, तो वहां दंडक नाम का एक जन राक्षस रहता था, वो दंडक नाम के राक्षस के साथ इसका बेस्ट फ्रेंड था खर और दूषण, दोनों सौतेले भाई थे, इधर ही रहते थे कहां पे आपके लिए? चित्रकूट के आसपास, क्लियर जी? इधर सुभनखा ही सुभनखा का नाक कट गया है, उसको नाक फेंका गया, उस टाइम में सर्जरी भी नहीं हो रहा था, तो जो कितना बुरा लगा होगा, पूरा जीवन भर भी नाक कर रहे होंगे, तो सर्जरी वर्जरी होता तो बढ़िया था ना जी, और मेरे पास भी नहीं आए, मैं उस टाइम में मंत्र वंत्र डाल के जोड़ देता, लेकिन वो नहीं आए, तो जय माता दी तुम जानो। अब वो सीधा फिर रावण के पास गए, रावण फिर खर और दूषण को बोले जाओ तू जी, और रावण राम और लक्ष्मण दोनों को निपटा काना करके, उतने ही टाइम में ये आपके लिए राम झरना बन चुका था, क्योंकि वहां पे जो नोक था ना तीर का वो थोड़ा भोथला गया था, उसको धार कर रहे थे भगवान उतने टाइम खर और दूषण आए, बोले टेस्ट कर लेता हूँ चल रहा है कि नहीं कर, मारे दोनों चीत हो गए। अरे ये सुनो, तो जगह था आपके लिए कौन सा? तो खर और दूषण का क्या हुआ था? वध। तो आपको ये प्रश्न पूछा जाता है खरौद, खर और उद, इसलिए जगह का नाम क्या आपके लिए? तो आपको याद रखना खरौद वो जगह था जहां पे खर और दूषण का वध हुआ था, पूछा है पेपर में, क्लियर थी? तो आपको याद रखना खरौद, क्या याद रखना? आपको याद रखना शिवरी नारायण, क्या याद रखना? ये है सबरी के नारायण, इसीलिए जगह का नाम है आपके लिए शिवरी नारायण। तो सबरी द्वारा क्या खाया गया था यहीं पे? जूठे। अरे या सुनो, यही जगह था वैक्सीनेशन हुआ था, आपको याद है? यही जगह था जहां राम भगवान को बोले भगवान राम मैं आपके लिए अलग से बेस्ट क्वालिटी का बोर एकदम खा के रखी हूं, लेकिन उसको सुखा दिए थे, थूक नहीं लगा था, उसे बढ़िया सूख गया था लेकिन एकदम मीठा। उधर लक्ष्मण जी बोले तुम भी खाओगे? हाय कोरोना चल रहा है मैं नहीं खाऊंगा, कोरोना वोना हो जाएगा मेरे को, क्लियर जी? और लक्ष्मण जी नहीं खाए, बोर को फेंक दी उधर ही, बाद में पता चला उधर गए मेघनाथ मारता है जय माता दी, तब पता चलता नहीं बोर खा लेना था, वैक्सीनेशन हो जाता मेरा, वैक्सीनेशन नहीं हो पाया था, क्लियर जी? वापिस आते हैं इसी जगह में, कहा आपके लिए खरौद पे, खरौद आते हैं, खरौद में क्या करते हैं? अपने हाथ से शिवलिंग स्थापित करते हैं, उसी जगह को बोला जाता है छत्तीसगढ़ का काशी लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर, क्लियर? आपको याद रखना खरौद, क्या याद रखना, क्या याद रखना? आपको याद रखना खरौद, क्या याद रखना? खरौद में सबसे पहला प्रश्न पूछता है आपको क्या? खर और दूषण का क्या हुआ था? वध। क्या हुआ था आपके लिए? खर दूषण का वध। दूसरा याद रखना आपको क्या, इसी जगह में क्या है आपके लिए? भगवान लक्ष्मण द्वारा
स्थापित क्या है आपके पास जी, शिवलिंग क्या है आपके पास, क्लियर। तो आपको याद रखना भगवान लक्ष्मण के द्वारा स्थापित आपके पास क्या मिला है, शिवलिंग। इसी शिवलिंग को क्या बोला जाता है आपके लिए, लक्ष्मणेश्वर महादेव। अरे यह सुनो, आपको याद रखना लक्ष्मणेश्वर महादेव क्या याद रखना। और इसी लक्ष्मणेश्वर महादेव क्या बोला जाता है, छत्तीसगढ़ का, क्लियर जी। आपको देखो अभी आपके लिए शिवलिंग है, शिवलिंग को स्थापित कर दिए भाई, क्लियर। अगर ये शिवलिंग है और शिवलिंग का स्थापना हो गया है लेकिन अभी तक इसमें मंदिर नहीं बना है, तो कोई ना कोई आदमी आके इसमें मंदिर बनवाया होगा क्या, तो ये सिर्फ शिवलिंग स्थापित कराए। आपके लिए अगर बात होती है मंदिर का कि वो मंदिर कौन बनवाए, तो आपको याद रखना मंदिर निर्माण क्या याद रखना, तो मंदिर निर्माण कौन कराए आपके लिए, ईशान देव। कौन कराए आपके लिए, ईशान देव। कौन है आपके लिए, पांडुवंशी है। कौन है आपके लिए, पांडुवंशी, ठीक है। और देखो ये निर्माण करता है लेकिन इस टाइम पे शासक कौन है आपके लिए, इंद्रबल। कौन है आपके लिए, तो आपको याद रखना इंद्रबल। इंद्रबल कौन है आपके लिए, पांडुवंशी शासक है। क्लियर जी, पेपर में प्रश्न ये भी पूछा है, पेपर में प्रश्न ये भी पूछा है, क्लियर जी। क्योंकि इंद्रबल अपने नाम पर शहर बसाता है, उसी शहर को क्या बोला गया, इंद्रपुर क्या बोला गया। और ये इंद्रपुर ही वर्तमान क्या है आपके लिए, क्लियर। आपको याद रखना इंद्रबल क्या याद रखना, आप पांडुवंश थोड़ा यही पढ़ लिए, मैं पढ़ा देता हूं भाई, ऐसे सोचना मत डेटा ज्यादा हो रहा है सर करके, ठीक है। नहीं तो आज सुसाइड करो चाहे मत करो, मैं तो नहीं करने वाला, ऐसे सोचना मत मैं कर लूंगा करके। आपको याद रखना बलौदा बाजार क्या याद रखना। देखिए भाई अब अपन चलते हैं बलौदा बाजार, किसके लिए चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब उसके बाद पहुंच गए। तो आपको याद रखना तुरतुरिया क्या याद रखना, क्या याद रखना, अरे यार सुनो, आपको याद रखना रिया क्या याद रखना, आपको याद रखना तुरतुरिया क्या याद रखना, अरे यार सुनो ये तुरतुरिया रिया भाग के चले गई यहीं पे, कहां पे तुरतुरिया, अरे यार सुनो। तो आपको याद रखना क्या करके गई थी, भाग के क्या करके गई थी, तुरतुर तुरतुर धीरे धीरे हौले हौले, उसको बोलते हैं तुरतुर, क्या बोलते हैं अपन। तो आपको याद रखना तुरतुरिया क्या याद रखना। अगर मैं यहां लिखता हूं तुरतुरिया, इधर लिखूं क्या, हाँ। तो आपको याद रखना ग्यारहवा हमारे लिए क्या है, तुरतुरिया क्या है आपके लिए, ये तुरतुरिया। तुरतुरिया आपके लिए तीन जगह तीन चीज के लिए फेमस है। सबसे पहले आपके लिए कौन सा, वाल्मीकि आश्रम क्या है आपके लिए। दूसरा आपके लिए क्या है, लव कुश की जन्म स्थली, अरे यह सुनो। उसके बाद याद रखना यहीं पे क्या हुआ है आपके लिए, रामायण की रचना। रामायण की सबसे खास बात यह है कि जब रामायण चल रहा था उसी टाइम में लिख रहे थे, दोनों काम पैरेलल हो रहा है। ऐसा नहीं है कि रामायण को पहले हुआ है उसके बाद नहीं लिखे, वो इधर चल भी रहा है स्क्रिप्ट, इधर लिख भी रहा है। कितना पावरफुल आदमी रहे होंगे सोचो वाल्मीकि। अरे यह सुनो, मेरे पास भी ये पावर है लेकिन मैं भी नहीं दिखा रहा हूं, क्लियर। आपको याद रखना तुरतुरिया क्या याद रखना, माता सीता का आश्रय स्थल। इसलिए ज्यादा लिख रहा हूं क्योंकि अगर आपको लिख दिया तुरतुरिया को दो नंबर में लिखो तो क्या ही लिखोगे, क्लियर। कंटेंट ज्यादा होना चाहिए। अभी हम इसको बौद्ध धर्म में भी पढ़ेंगे तुरतुरिया में। तुरतुरिया में पूरे भारत में एकमात्र आपके लिए यहीं पे क्या मिला है, बौद्ध भिक्षुणी का जो वो होता है ना विहार, तो वो मिला है आपके लिए, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये जगह, क्लियर जी। और गौतम बुद्ध का विशाल प्रतिमा स्थापित है तुरतुरिया में, अपन पढ़ेंगे लेकिन अभी नहीं, अभी अपन को बस ये पढ़ना है तुरतुरिया। क्या पढ़ना है अपन को, आपको अगला जगह याद रखना है रायपुर। क्या पढ़ना है अपन को, तो रायपुर में चंदखुरी पड़ता है ना, तो आपको याद रखना है चंदखुरी। क्या पढ़ना है अपन को, तो आपको याद रखना माँ कौशल्या धाम चंदखुरी। अब नाम बदल गया है ना चंदखुरी का, माँ कौशल्या धाम चंदखुरी हो गया, क्लियर जी। हाँ बोलो ना, हाँ। तो उधर बाजू में क्या देख रहे, उधर कुछ नहीं मिलेगा। आपको याद रखना चंदखुरी क्या याद रखना,
जनखुरी के बाद याद रखना अपने को कहां धमतरी, क्या याद रखना अपन को, क्या याद रखना धमतरी। धमतरी में हम लोग श्रृंगी ऋषि आश्रम पढ़े थे क्या, तो आपको याद रखना श्रृंगी ऋषि आश्रम। अरे या सुनो, श्रृंगी ऋषि आश्रम, और श्रृंगी ऋषि आश्रम में कौन है आपके लिए, ये कहां पड़ता है आपके लिए, सिहावा पर्वत कहां पड़ता है आपके लिए, क्लियर जी। तो आपको याद रखना सिहावा पर्वत, क्लियर। उसके बाद और आगे चले तो ये आपके लिए जगह आया है कौन सा, कांकेर। कांकेर में क्या पड़ता है हमको, पंचवटी, क्या पड़ता है अपन को पंचवटी। पंचवटी में क्या हुआ था, माता सीता का हरण स्थल है ये, अब सोचो अभी ये एरोप्लेन दो वाला भी आया है ना, दो ऊपर नीचे रहता है करके। आप जब रामायण पढ़ोगे ना तो रामायण में एकदम स्पष्ट लिखा है, एक ऐसा ग्रंथ जो आज से 1800 साल पहले संकलित किया गया, आज से 1800 साल पहले आप देखोगे लगभग 200 ईस्वी के आसपास लिखा गया है ना आपके लिए। अब सोच लो 1800 साल पहले लिख दिया गया है कि जो रावण आया था माता सीता को हरण करने के लिए, 9 मंजिला था वो पुष्कर यान, 9 मंजिला। और ये बोलते हैं कि इन लोग इन्वेंशन किए हैं करके, बता तुम अभी 2 मंजिला में पहुंचे हो, लिख रहे हो कि हम बनाए कर, हमारे पास तो 9 मंजिला था जी, पुष्कर यान आया था ना आपके लिए, 9 मंजिला था वो। आप रामायण पढ़ोगे सोझे सोझे लिखा रहेगा वहां पे 9 मंजिला था वो करके, क्लियर। अगला जगह, अगला जगह आपके लिए कोंडा गांव। कोंडा गांव में अपन जटायु शिला पढ़ेंगे क्या, तो आपको याद रखना जटायु शिला, क्या याद रखना जटायु शिला कहां है आपके लिए, बोरे गांव, कहां है आपके लिए, या इसी को बोलते हैं बोर गांव, क्या बोलते हैं अपन, जिला आपके लिए कौन सा, कोंडा। उसके बाद अपन पहुंचे बस्तर, कहां पहुंचे अपन, बस्तर में रामपाल पढ़े थे क्या, तो आपको पढ़ना है रामपाल, या इसी को बोल देते हैं जगदलपुर, क्या बोल देते हैं अपन, क्लियर जी। अगला सुकमा, सुकनामा में क्या पढ़े थे अपन, रामा राम, क्या पढ़े थे अपन, क्लियर। आपको याद रखना बस्तर, क्या याद रखना, याद रखना है दंडकारण्य, बस्तर को दंडकारण्य बोल रहे हैं ना अपन, तो दंडकारण्य में क्लियर अपन 11, ठीक है। आपके पास इतना कंटेंट है कि आप 8 नंबर में आराम से लिख सकते हो, आप 15 नंबर में भी छत्तीसगढ़ में रामायण काल पूछेगा तो लिख डालो, क्योंकि तो मैं पहले कहानी भी तो बताया हूं क्या, कोसलखंड से चालू हुआ था, उत्तर दक्षिण सब पढ़े हैं ना, अभी ये खत्म नहीं हुआ क्योंकि अभी हमको राम वनगमन पद भी पढ़ना है ना जी। तो आपको पढ़ना है राम वनगमन पद, क्या पढ़ना है अपन को, एक बार रिवाइज करें क्या, तो अपन को करना है रिवाइज, चलो भाई पटाख से। तो आपको याद रखना छत्तीसगढ़ में रामायण कालीन स्थल, क्या याद रखना है, चलिए भाई बोलते चलिए आप। सबसे पहले, हाँ पहले कौन सा जगह था, हरचौका, हरचौका कौन से गांव पे, घाघरा ग्राम। दूसरा आपके लिए याद रखना सीतामणि गुफा, वो कहां है आपके लिए, मुहावी नदी के किनारे। उसके बाद याद रखना सीतामणि हरचौका, वो क्या है आपके लिए, उसके बाद याद रखना सीतालेखनी, सीतालेखनी कहां है आपके लिए, सूरजपुर। तो आपको याद रखना इसमें क्या मिला आपके लिए, माता सीता द्वारा लिखित आपके लिए पहाड़ मिला है, क्लियर जी। उसके बाद याद रखना संकलिपि में, उसके बाद याद रखना यहां से 3 जगह। सबसे पहले आपको याद रखना क्या, सीता बेंगरा की पहाड़ी, सीता बेंगरी गुफा। दूसरा आपको याद रखना यहीं पे क्या, लक्ष्मण बेंगरा। और तीसरे आप लोगों को क्या याद रखना है, एक और बताया था जगह, सीता कुंड, क्या पढ़ाया था आपको, माता सीता द्वारा किया गया स्नान स्थल। अरे यार सुनो, अगला जगह है आपके लिए कौन सा, राम झरना। राम झरना क्या है,
भगवान राम के द्वारा तीर से उत्पन्न किया गया जलधारा। अरे ये सुनो, नहीं याद होगा मुसवा दवाई ले लेना, काम आएगा। इसलिए नहीं बोल रहा हूं, अगर अभी आप इतिहास नहीं पढ़ पाए, ईमानदारी से बता रहा हूं आपको, 5 दिन बाद इसी इतिहास को खोल के देखना। आज से 1 साल पहले जो इतिहास पढ़ाता था और अभी जो इतिहास पढ़ा रहा हूं उसमें जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। पहले मैं आज जितना पढ़ा रहा हूं ना, अभी तक मैं रामायण खत्म करके, महाभारत खत्म करके, बौद्ध और जैन को खत्म कर चुका है, क्योंकि आज के टाइम में पेपर बाएं आ रहा है, इसलिए मेरे को इतना पढ़ाना पड़ रहा है। क्लियर? क्लियर आपको याद रखना। फिर अगला जगह क्या है आपके लिए, क्या है आपके लिए? खरौद। खरौद, खरौद में क्या है आपके लिए और क्या मिला है यहीं पे? लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर। क्या मिला आपके लिए? क्लियर। आपको एक चीज बता रहा हूं, आप ना हो सकता है बहुत टैलेंटेड होंगे, मेरे खाप के प्रतिभा पे कोई शक नहीं, लेकिन एकदम ईमानदारी से बता रहा हूं, जिन बच्चों को डर लगता है ना कि सर हमारा पेपर निकलेगा कि नहीं, ईमानदारी से बता रहा हूं वही बच्चों का पेपर निकलता है। एकदम सत्य बात बता रहा हूं। ऐसे लोगों को नहीं पढ़ो निकलबे नहीं करेगा करके, उनका नहीं निकलता, लेकिन जिनको डर लगता है ना कि सर अगर 51% में अगर हम अंदर हो सकते हैं, 50+ में अगर हम अंदर हो सकते हैं, हम लगभग 40% के आसपास है, तो ऐसे ही बच्चों को पढ़ना पड़ता है। जितने जन मैथ्स में निकालते हैं ना मैथ्स एप्टीट्यूड का पेपर, तो वही बच्चे अभी का एप्टीट्यूड पेपर निकाल रहे हैं जिन लोग डर डर के पढ़ रहे हैं कि सर हमसे एप्टी बनेगा कि नहीं बनेगा, रीजनिंग बनेगा कि नहीं बनेगा। दूसरी बात ईमानदारी से बता रहा हूं, प्रीलिम्स में अपन सी सेट को क्वालिफाइंग है करके छोड़ दे रहे हैं, अब मेंस में वही पेपर अचानक आके खड़े हो जाता है, ले पहचान कौन। सोचो मैथ्स का पूरा टॉपिक है उसमें, रीजनिंग का पूरा टॉपिक है उसमें, बायो का पूरा टॉपिक है, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, उसी में इन्वायरमेंट का, उसी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, इतना में कोई भी एक पार्ट आ सकता है आपके लिए। तो साइंस का पेपर इतना चैलेंजिंग पेपर होता है, तो तीसरे दिन का पेपर है और उसी दिन समाज शास्त्र और दर्शन शास्त्र भी आ जाते हैं, ले पहचान कौन, मैं कौन सा दर्शन शास्त्री। तो उस दिन तो आप टॉपिक रिवाइज नहीं कर सकोगे, इसीलिए जितना पढ़ना है, जितना रिवाइज करना है, अभी अभी कर लो। क्लियर? एकदम ईमानदारी से बता रहा हूं, मैं अपनी आप बीती बता रहा हूं आपको, होता कुछ नहीं है। और अब होता यह है कि हमारा सर्कल हमको बहुत मैटर करता है, हम किन लोगों के साथ में रहते हैं। माना यह जाता है कि जब बाढ़ आता है ना, तो बाढ़ आता है, तैरना नहीं आता चल जाएगा, लेकिन हमारे पास कम से कम एकाध डोंगा होना चाहिए जिसको धार के हम घिलरते घिलरते जाए, बैठ नहीं पाएंगे, बन जाएगा कर। हर आदमी के पास नाव नहीं होता, लेकिन कम से कम नाव टाइप का कोई चीज तो होना चाहिए जिससे हमारी नैया पार हो सके। आज आप नहीं पढ़ोगे, उसके बाद 10 दिन बाद देखना यही इतिहास बोलेगा। आप 18 जगह पढ़े हो ना, अभी 9 जगह और पढ़ना है आपको। क्लियर? आपको याद रखना है खरौद, क्या याद रखना है? खरौद में हम लोग क्या पढ़े थे जी? उसके बाद याद रखना शिवरी नारायण। शिवरी नारायण में क्या आपके लिए? अरे या सुनो, वही अपन सबरी माता मंदिर पढ़े थे, वही अपन सबरी आश्रम पढ़े थे। अरे या सुनो, अगला जगह आपके लिए तुरतुरिया। क्या आपके लिए? तुरतुरिया चार चीज, पहला आपके लिए वाल्मीकि आश्रम, दूसरा आपको लवकुश की जन्मस्थली, तीसरा माता सीता का आश्रय स्थल, उसके बाद चौथा, उसके बाद याद रखना चंद्रखुरी। क्या याद रखना? चंद्रखुरी क्या आपके लिए? माता सीता का आश्रय स्थल है, सॉरी माता कौशल्या का जन्म स्थली है। अरे या सुनो, उसके बाद याद रखना आपने क्या? धमतरी। धमतरी में क्या पढ़े थे? त्रिंगेरिसी आश्रम। अरे या सुनो, उसके बाद पढ़े अपन कांकेर। कांकेर में पढ़े पंचवटी। पंचवटी में क्या आपके लिए? अरे या सुनो, उसके बाद अपन पढ़े जटायुशिला। जटायुशिला क्या था आपके लिए? राम और आपके लिए जटायु दोनों का भेंट हुआ था ना जटायुशिला में, तो आपको याद रखना है जटायुशिला राम और आपके लिए किसका। उसके बाद याद रखना अगला जगह कौन सा? रामपाल। क्या पढ़ना है अपने को? बेसिकली अभी जो आपके लिए जो जगह बना है ना, वो राम वनगमन पथ में वो जगह एक्चुअल में है रामपाल, लेकिन रामपाल एकदम नियर बाय किसके है? जगदलपुर के, इसीलिए जगदलपुर को बड़े जगह को दिखाया जाता, लेकिन एक्चुअल में जगह है क्या आपके लिए? और रामपाल को बोला जाता है छत्तीसगढ़ का रामेश्वरम। क्या बोला जाता है? तो यही लिख देता हूं रामपाल।
छत्तीसगढ़ का रामेश्वरम। अगर आप लिखोगे आपके आंसर में ऐसा कुछ कोटेशन रहेगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा वो। क्लियर जी, आगे बढ़े क्या? आपको याद रखना जटायुशिला, क्या याद रखना? क्लियर जी। उसके बाद याद रखना है अपन को क्या, दंड कारण्य। दंड कारण्य आपके लिए क्या है? अधिकतम यहीं पे जो जगह है इसके आसपास लिखा हूं, मतलब यहीं जैसे नहीं बोल रहा हूं, इसके आसपास। चूंकि माता सीता पंचवटी के बाद क्या हो जाती है, हरण हो जाती है, उसी के बाद तो मेन चीज चालू होता है ना। तो आपके लिए जितना आपके लिए बाली सुग्रीव दुनिया भर आएंगे ना, तो दंडकारण्य के पठार का केवल छत्तीसगढ़ में आपके लिए वो नहीं है विस्तार। आप देखो कि बाजू में आपको उड़ीसा भी है और नीचे आपको तेलंगाना आंध्र तक भी पहुंचा है, तो यही सब जगह में तो है। इसीलिए जो आपके लिए वाल्मीकि रामायण है ना, वाल्मीकि रामायण के बाद दूसरा जो रामायण बेस होता है उसको तमिल का रामायण बोलते हैं। ये दो रामायण को मेन माना जाता है। पूरे भारत में कम से कम 300 रामायण लिखे गए। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।